और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सरायकेला खरसावां से जहां के चांडिल में चलने वाले अवैध क्रशर के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यूज 11 भारत ने यहां के इको सेंसिटिव जोन में चलने वाले अवैध क्रशर मशीनों और अवैध पत्थर खनन की खबरों को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह यहां पर सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। इसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी ने टीम बनाकर चिलगू भुइयाडी में छापेमारी की और एक मशीन और एक पत्थर लदे हाइवा को जब्त कर लिया है। पदाधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इको सेंसिटिव जोन में चल रहे कई अवैध क्रशर की खबर दिखाई गई थी और एक खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है। क्रशर मशीन और अवैध पत्थर लदे कई हाइवा जब्त किए गए हैं। यहां पर अवैध क्रशर मशीनों के खिलाफ कार्रवाई। न्यूज 11 भारत की खबर का यह बड़ा असर, अवैध क्रशर पर शिकंजा कसा है प्रशासन ने। हमने ये खबर दिखाई थी कि कैसे इको सेंसिटिव जोन में दर्जनों अवैध क्रशर संचालित हो रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और देखिए यहां पर छापेमारी की, जिसके बाद कई क्रशर को सील किया गया। वहीं में दर्जनों क्रशर चलाए जा रहे थे, न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। ये ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी बसंत, इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। बसंत, न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर हमने दिखाया था कि कैसे यहाँ पर अवैध तरीके से क्रशर चलाए जा रहे हैं और अब प्रशासन की यह बड़ी कार्रवाई। जी जी आरती जी, देखिए इसमें सबसे पहले यदि हम लोगों को न्यूज 11 की तरफ से बधाई देना चाहिए तो उपायुक्त जो अरवल राजकुमार को, उनको बधाई देना है क्योंकि वे मेरा न्यूज को देख करके हम ही को सिर्फ एक ही न्यूज 11 पत्रकार को खबर किया कि इस तरह से छापामारी आज होने का है और आज बाकायदा 1:55 में छापामारी चालू हुआ। चिलगू में छापामारी हुआ, भुइयाडी में हुआ, दर्जनों क्रशर के ऊपर छापामारी हुआ। अभी भी चांडिल थाना में माने एफआईआर कर रहा है, जो जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार जो है वो अपना एफआईआर बना रहे हैं। 1407 जो ये किया है वो हम लोग लिख करके भेजे थे डम्फर बोल करके, लेकिन वो 407 है, 407 जो अवैध गिट्टी था वो उसको माने जब्त किया गया है। और यहाँ जो केसर है जी, ये दलमा इको सेंसिटिव जो हमारा केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा जनजाति के, वो ये भी लिख करके भेजा था कि दलमा क्षेत्र में अवैध केसर चल रहा है जिसके कारण कोई छापामारी नहीं कर रहा था। आज हमारा न्यूज 11 न्यूज को दिखाया और दिखाने के बाद हमारा जो नया डीसी साहब आए तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें जो भी श्रेय जाता है इसमें डीसी साहब को जाता है। ये बताइए बसंत, ये बताइए कि क्या गिरफ्तारियां भी हुई हैं, किसी को हिरासत में भी लिया गया है यहाँ पर छापेमारी के दौरान? नहीं नहीं जी, ऐसा है कि सब जो जितना भी करसार में छापामारी होते गया सब अपना गाड़ी जो जब्त हुआ, गाड़ी का ड्राइवर खलासी भाग गया, उसके बाद करसार भी बंद करके भाग गया है। अब जो है कि ये देखना पड़ेगा, चांडिल थाना प्रभारी को केस सौंपा गया है और ये सबसे बड़ी चीज है, इतना गोपनीय मेंटेन किया गया कि चांडिल थाना प्रभारी को खबर भी नहीं किया, डीएसपी को भी खबर नहीं किया, चौका थाना प्रभारी को ये ले करके छापामारी किया गया। ये बहुत बड़ा अपने गुप्त मैंने छापामारी था कि क्योंकि देखिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत होता है जिसके कारण मैंने स्थानीय प्रशासन को खबर नहीं करके दूसरे थाना क्षेत्रों को खबर करके छापामारी किया गया था। ये बहुत बड़ा कार्रवाई हुआ है और आगे चल के भी इस तरह से कार्रवाई होगा, हमारा अरवल राजकुमार जी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बसंत, तमाम जानकारी के लिए।